गुड मॉर्निंग क्लास क्लास वी वर डूइंग द टॉपिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सम फ्यू क्वेश्चंस टुडे वी विल डिस्कस एंड द फर्स्ट प्रॉब्लम आई हैव टेकन एंड द क्वेश्चन इज गिवन इन द क्वेश्चन इज द फिफ्थ पार्ट ए फिफ्थ इज पी एंड ए एट इज क्यू एंड ए इलेवन इज एस वी हैव टू शो दैट क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस This thing we have to prove, okay? And so, class, let's start the question from the prove that part. That is, Q square is equal to P S is given. There is very simple problem. It's only there is a need to put the value in the given expression, right? So it will be as here the first term is a common ratio r, okay? So a five will be a r to the power 4 is equal to b. A r to the power 7 is equal to q and a r to the power 10 is equal to s. Thus it is s actually. Okay? And we have to prove q square is ps. Just put the value of pqs here and both sides will be equal. The q is a r 7 of square p a r 4 and s is a r 10, right? It is a square r to the power 14. A square r to the power 14 and then the question is over. Hence proof. Both sides equal. एक और भी class की आप पहले fifth को और eleventh को multiply करें तो एक equal आ जाएगा. But वो learning में नहीं, आपको understand करना है question, ठीक है? बस बहुत simple basic problems है. अच्छा तब आपको term find करना है, मतलब आपको a and find करना है. 729 आपको given है. First term आपका root 3 है. R क्या आएगा? 3 upon root 3, r की वैल्यू भी root 3 होगी, a, n is a, r, n minus 1, आपको n फाइंड करना है, तो ये आपको हो गया 729, a आपका root 3, r is root 3, n minus 1, class base सेम है, आप पावर को ऐड कर लीजिए, 1 कैंसिल, r root to the power n, 729, इसको 3 की पावर में आप ले आए, 729 को टू फोर थ्री 81 27 9 3 and 3 1, ठीक है? 1 2 3 4 5 6, सो इट इज हियर 3 टू द पावर 6 इज इक्वल रूट 3 टू द पावर n, 3 टू द पावर 6, 3 टू द पावर n बाय 2, जैसा आप रूट हटाएंगे ये हो जाएगा 1 बाय 2, मल्टीपल होगा 3 से कैंसिल, 6 इज n बाय 2, n is 12. Taking class, it is the final answer. Class question number 6 में हम लोगों को x find करना, right? The three terms are in GP. So what thing I explain you? If A, B, C are in GP, so we can write as B square is equal to S, right? Simple concept we will use here. It is x square is equal to minus 2 by 7 multiplied by minus 7 by 2, right? X square is equal to 1. So again, 2 to 7, 7 cancel and x is plus my x is plus minus 1. So again, the value will be 1. It is the answer. सेकेंड क्लास हियर वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ एसएन. पहले आपको आर फाइंड करना पड़ेगा. आर अगर मोर देन 1 है लेस देन 1 है डिसाइड हो जाएगा. आर इज डिसाइडिंग फैक्टर इन क्लास. तो यहां पे आप आर फाइंड करिए. द ए इज 0.15 एंड द आर इज 0.015 अपॉन 0.15, राइट? क्लास एरिया आपको 1/10 आएगा ना, आप डेसिमल हटाइएगा. 1/10 आर इसको 1/10, इट इज लेस देन 1. क्लियर? एसएन का फॉर्मूला अप्लाई होगा ए 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर. पहले इसको अप्लाई करिए 1.5 अपॉन 1 माइनस आर 1 अपॉन 0.1 हो जाएगा 1/10 एंड 1 माइनस 1 अपॉन 10 टू द पावर 20, ठीक है? बस आपको फाइंड करना है, आपको एस 20 फाइंड करना है. तो एन की वैल्यू यहां पर 20 है. इसको हम लोग सॉल्व करेंगे. यहां पर वैल्यू आ जाएगा 0.15
add upon A, 1 minus, 1 minus 0.1, 0.9. So it is 0.9, okay? And 1 minus 1 upon 10 to the power 20. 1 minus 1 upon 10 to the power 20 है, मैंने bracket off किया, 1 upon 10 to the power 20. इसको आप solve कर लेंगे, 1 upon 6, 51 से 15, 6 है. So it is 1 upon 6 bracket 1 minus 1 upon 10 to the power 20. That's it. इसको आपको solve नहीं करना, इसको आप इसी term में आप छोड़ देंगे, 10 to the power 20, exponent form में आप छोड़ देंगे, that's it, that's required by. क्लासिक क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें यहाँ पे द सम ऑफ फर्स्ट टू फर्स्ट थ्री टर्म वो जीपी इज 39/10, देयर प्रोडक्ट इज 1 एंड व्हाट इज द कॉमन रेशियो इन टर्म्स. ठीक है, प्लस एक्चुअली किसी भी जीपी के फर्स्ट थ्री टर्म तो आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं ए ए आर एंड ए आर स्क्वायर, इट इज ऑल्सो करेक्ट, इससे भी आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, देयर इज नो इशू. बट क्लास हम जब थ्री रेशियो या सॉरी थ्री टर्म या फोर टर्म या फाइव टर्म लेट करते हैं एंड इफ दे आर इन जीपी, तो उसका एक पर्टिकुलर अपना एक 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 पैटर्न है. उस अगर आप उस पैटर्न को लेंगे तो आपका जो कैलकुलेशन वर्क है वो इजी हो जाएगा. तो जो हम ले रहे हैं व्हाट वी आर रिज्यूमिंग हियर, इट इज ओनली फॉर आवर कन्वीनियंस कि आप अपने कैलकुलेशन वर्क को और इजी कर रहे हैं, तो उसका वे के थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लीजिए. प्लस अगर आपको थ्री टर्म लेट करना है जीपी में तो इसका कॉमन रेशियो रहेगा आर, आप ऐसे इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. अगर आप फोर टर्म लेंगे इसका कॉमन रेशियो रहेगा आर स्क्वायर, फाइव लेंगे फिर इसका कॉमन रेशियो रहेगा आर. ये सी कॉमन रेशियोज है. अब आपको स्टार्ट कहां से करना है, जैसे थ्री है तो आप स्टार्ट कर रहे हैं ए अपॉन आर से, अब कॉमन रेशियो का आर है तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, नेक्स्ट टर्म ए आएगा एंड ए आर आएगा, ये सिमेट्रिकल रहेगा. ठीक है, आप फोर की बात कर रहे हैं, फोर टर्म ले रहे हैं तो यहां पर आप करेंगे ए आर क्यूब से स्टार्ट करेंगे और इसका कॉमन रेशियो आर स्क्वायर है तो आपको नेक्स्ट टर्म मिलेगा ए अपॉन आर, फिर आपको मिलेगा ए आर, फिर आपको मिलेगा ए आर क्यूब. आपको इलेवन कर लीजिए, ऑड्स में आप आ लेंगे, इवेंट्स में आर स्क्वायर लेंगे. ठीक है, एक बार ये इलेवन हो गया, फिर आप थ्री में वन अपॉन आर की पावर वन से स्टार्ट करेंगे, फिर आप फाइव पे देखिए तो आप उसको अंडरस्टैंड कर जाएंगे. तो यहां से हम ए आर स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे क्लास, और यहां पर कॉमन रेशियो है आर, तो यहां वन से यहां पर टू से आप सिक्स सेवन एट भी इवन अगर क्वेश्चन, वैसे तो क्वेश्चन फाइव ही तक आएगा बट अगर आ रहा है तो आप इस तरह से इसे एक स्टाइल है, पैटर्न है, इस पैटर्न को आप थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे. अब यहां आपका आर है, यहां हो जाएगा वन अपॉन आर, फिर आपका ए होगा, फिर ए आर होगा, फिर ए आर स्क्वायर होगा. देखिए ए के पहले और बाद में नंबर सिमेट्रिकल है, यहां भी ए के पहले और बाद में नंबर सिमेट्रिकल. ठीक है, अब आपको यहां पर लेना है थ्री नंबर, तो आपने लेट किया लेट द नंबर आर ए अपॉन आर ए एंड ए आर, या आपने नंबर लेट किए थे आर एन आर एन जी पी. अब इसको आपने एड किया, इसका एडिशन आ रहा है 39/10. ठीक है, और इसका जो प्रोडक्ट है वो आपका आ रहा है, प्रोडक्ट आपका होगा ए अपॉन आर ए एंड ए आर इज वन, आर आर कैंसिल, ए क्यूब इज इक्वल टू वन, ए इज इक्वल टू वन, ए की वैल्यू क्लास वन आ गई. ठीक है, अब ए की वैल्यू यहां प्लेस करके हम यहां से आर फाइंड कर लेंगे, तो यहां पर आपको हो जाएगा वन अपॉन आर वन एंड आर इज इक्वल 39/10, आर प्लस वन अपॉन आर इज 39/10 माइनस वन इट इज 29/10. अब ये बन रही है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग आर फाइंड करेंगे, आर की दो वैल्यू करेंगे क्योंकि इक्वेशन बन रही है क्वाड्रेटिक, तो आप इसे आर स्क्वायर प्लस वन आर 29/10 10 आर स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल 29 आर. ठीक है, तो 10 आर स्क्वायर माइनस 29 आर प्लस 10 इज इक्वल टू जीरो, 10 आर स्क्वायर माइनस 25 आर माइनस 4 आर प्लस 10 इज इक्वल टू जीरो. यहां से पहले आप आर फाइंड कर लीजिए, 5 कॉमन लेंगे, 5 आर यहां बचेगा 2 आर माइनस 5 और नेक्स्ट में माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, माइनस 2
2R minus 5 is equal to 0. 5R minus 2, 2R minus 5 is equal to 0. R is equal 2 by 5 and R is equal 5 by 2. ठीक है, अब R आपको 2 by 5 आ गया, 5 by 2 आ गया. तो कॉमन रेशियो आपको फाइंड करना है, तो कॉमन रेशियो आप 2 by 5 के लिए आप आंसर होगा, 5 by 2 भी आपका आंसर होगा. बट टर्म्स जो है वो कॉमन रेशियो के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, ठीक है, और वो रिवर्स फॉर्म में आएंगे. तो आप पहले देखिए, अब आपके टर्म तो क्लास के हैं, तब आपने क्या लिए, इसको हम ब्लॉक कर रहे हैं, a अपॉन r a n a r, ठीक है. अब यहां पर अगर आप दे रहे हैं when when r is equal 2 by 5 and a is equal 1, टर्म यहां पर क्लास टर्म्स क्या आ जाएंगे, r आपका 2 by 5 है, a और a r, तो टर्म्स आपका आ जाएगा 1 अपॉन 2 by 5, 1 and 1 into 2 by 5, टर्म्स आर 5 by 2, 1 and 2 by 5. It is the term when r is 2 by 5 and a is equal to 1. यहाँ पर दूसरा केस है when r is 5 by 2 और a तो 1 ही रहेगा, तो terms reverse आ जाएंगे, a upon r, a and a r, terms आपका 2 by 5, comma 1, comma 5 by 2, ठीक है class. तो terms ये भी होंगे when r is this, terms ये भी होंगे when r is 5 by 2 and a is equal to 1. This is the required value, required answer. Class question number 13 में आपको ये GP given है. GP है आपकी 3 of square, 3 of cube and so on. और n terms का जो sum given है, sum SN is 120. We have to find n. So the A is equal to 3 and R is also 3. ठीक है, it is more than 1. जैसे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे SN का, SN is A R to the power n minus 1 upon R minus 1. Put all the values here. A is 3, R is 3. ठीक है, और अब n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. SN आपके पास है 120. 120 is 3, 3 to the power n minus 1 upon 3 minus 1. तो 140, 40 into 2 80, क्लास ये 2 होगा ना, 3 minus 1 to 2 40, 80 हो जाएगा, 3 to the power n minus 1, 3 to the power n is 81 and 3 to the power n is 3 to the power 4, ठीक है, 3 cancel, n is equal to 4, this is the required answer. Question number 40. The sum of first three term in GP is 16. The sum of next three term is 128. Find the first term, common issue and SN. ठीक है? तो class given किया है इसमें A, A R, A R square. क्या आपके three terms हो गए? First, second, third is equal to 16. And next three term A R cube, A R 4. AR to the power 5 is 128. We have to find A and R. आप पहले, हम लोग पहले दोनों को divide करेंगे, दोनों equations को. It is 16 and AR cube, AR to the power 4, AR to the power 5 is 128. Okay? आप class common लीजिए. A is a common, 1 plus R and R square. Denominator A R cube common, it is A R A common, 1 plus R and R square is equal 16 upon 128. ठीक है, class ये cancel out होगा, I think ये 8 times जाएगा, 4 4s are 4 3 and 2, 1 upon 8, so 1 upon 8 is the answer, cancel करके इसका आंसर 1 upon 8 आ रहा है. ठीक है, bracket cancel हो गया. 1 upon r cube is 1 upon 8. 8 होगा आपका 2 cube होगा. It is implying that 1 upon r cube is 1 upon 2 of cube. ठीक है? It implying that r is equal to 2. R is equal to 2. आ रहा गया? अब r की हेल्प से हम a find कर लेंगे इस वाली equation को use करके. a plus a in ar and ar square is 16. A and A into R and A R square is equal to 16. 4, 2, 6, 6, 1, 7.
7a is equal to 16, a is equal to 16 by 7. Next, आपको SN find करना है. SN के लिए R is coming 2, more than 2 or more than 1 आ रहा है. A R to the power N minus 1 upon R minus 1. Class, अब इसमें क्या करना है हमको? A की value 16 by 7 place करना है. R की value 2 place करना है. और इसका required expression आ जाएगा, ठीक है? 16 by 7, 2 to the power N minus 1 upon 2 minus 1. 2 minus 1 is 1. So, the answer is 16 by 7. 2 to the power n minus 1, this is the value. Class, a different type of problem hai. Ek sequence hai 8, double 8, triple 8, 4 times 8, tetraed, penta 8, 5 and so on. Class, aapko ispe SN find karna, sum of n term aapko find out karna. Three class. So, ab iska iska ek particular way hai class. वे ये है कि आपने SN लिखा 8 8 8, 3 times 8 and so on, 4 times and so on. Class, पहले आप इसमें से 8 common लेंगे, तो यहां पर आएगा 1 1 1 1 1 1 and so on. आप इसमें 9 से multiply and 9 से divide करेंगे, तो यहां पर आ जाएगा class 8 upon 9 and 9 9 9 9 9 9 and so on. ठीक है, अब इसको break करेंगे इस form में. Actually class, इसका एक process है. इसको आपको बस ये यहाँ पर एक keyword डाल रहा है. थोड़ा सा एक process में एक ये नहीं बात थी, एक method, method में की बात. और next आपको यहाँ पर तो break करना है 10 minus 1, ये आपका हो जाएगा 100 minus 1, ये आपका हो जाएगा 1000 minus 1 and so on. ठीक है, अब 10 के मल्टीपल्स को अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, 1 को सेपरेट कर लेंगे, तो ये आपका हो गया 8 by 9 with bracket, 10 plus 100 plus 1000 plus up to n term. This bracket is going up to n term. ठीक है, क्या बच रहा है? नेक्स्ट आपका बैकेट बच रहा है -1 -1 -1 and so on up to n term. ठीक है, अब इसमें से आप माइनस कॉमन ले रहे हैं. जब आप माइनस कॉमन प्लस लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका माइनस आ रहा, यहाँ पर आ जाएगा 1 plus 1 and so on. It is going up to n term. It is going up to n term. ठीक है, अब आप जब 1 को n times add करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1 है. जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, अगर आप लिखा हुआ है a plus a plus a and it is going up to n term, so the answer is a n. ठीक है, तो 1 को अगर आप n टर्म ऐड करेंगे इसका आंसर आ जाएगा n. तो यहां पर इसका वैल्यू आ जाएगा -n. ठीक, यहां पर हम a और r फाइंड करके फार्मूला प्लेस करेंगे. तो इस वाले ब्रैकेट में यहां पर आपका फर्स्ट टर्म 10 है और कॉमन रेशियो भी 10 है. तो हमने 8 बाय 9 या इस ब्रैकेट के अंदर हमने फार्मूला अप्लाई किया a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1. ठीक है, और इस ब्रैकेट का वैल्यू आ रहा है -n. क्लियर, सॉल्व हो गया. नेक्स्ट देखिए, इसके बाद देखिए सब क्या आएगा. 8 बाय 9 ब्रैकेट 10 10 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 9. यहां पर 10 माइनस 1 9 आ जाएगा. इवन दो आप इसको यहां से हटा भी सकते हैं, ये फ्रैक्शन में ही काम किया जाएगा. आप लाइन ड्रॉ भी कर सकते हो, ऐसा इशू नहीं है. माइनस n, दस इट इज द रिक्वायर्ड वैल्यू. थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर लीजिए, ज्यादा ब्रैकेट जब आप ऑफ करेंगे तो यहां पर मल्टीपल होगा आपका, तो यहां पर आ जाएगा 80 अपॉन 81, 10 टू द पावर एन माइनस 1 एंड 8n अपॉन 9. क्लास, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. क्लास, एक सेम प्रॉब्लम का एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप है, जिसमें आप टर्म्स लेंगे डेसिमल्स में 0.6 0.66 0.666 0.4 times 6 एंड सो ऑन. ठीक है, अब क्लास इसका मेथड सेम है, थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है थोड़ा सा इसमें चेंज है. तो आप इन अ सेम मैनर हम पहले क्लास में 6 कॉमन लेंगे. ठीक है, तो द रिजल्ट इज 0.1
0.11 0.111 एंड सो ऑन. ठीक है, अप टू एंड टर्म आपको इसमें फाइंड करना है एस एन. फाइंड सम ऑफ एंड टर्म, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म हमको फाइंड आउट करना है. तो नेक्स्ट हम इसमें 9 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड होगा सेम प्रोसेस में. 0.99 0.99 0.99 and up to enter ठीक है next class अब इसको हम break करेंगे ये आपका हो जाएगा 2 upon 3 3 2 3 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
0.01 को हम अलग सेपरेट करें, ठीक है, इट इज 1 माइनस 0.001 एंड सो ऑन एंड इट इज अप टू एंटर, दिस ब्रैकेट विल गो अप टू एंटर. अब इट इज 2/3, हम ब्रैकेट को सेपरेट करेंगे 1 प्लस 1 एंड अप टू n, प्लस की वैल्यू n आ जाएगी और यहां पर आप माइनस कॉमन लेंगे 0.1 0.01 0.001 एंड एक्स ऑन अप टू एंटर. अब प्लस इसकी वैल्यू हो गया 2/3, द वैल्यू ऑफ दिस ब्रैकेट इज 1 इज n, 1 into n आ गया. वहां पर हम इस वाले में a एंड r डिसाइड कर लें, आपका a जो है वो 0.1 है, ठीक है, r क्या होगा, r आपका 0.01 अपॉन 0.1, ठीक है, आप जीरो लेंगे तो आंसर इज 1/10, आर आपका 1/10 आ रहा है, इट इज लेस देन 1, ये 1 से लेस है. अब यहां पर फॉर्मूला प्लेस होगा a, ये जो वर्किंग है ये इस ब्रैकेट के इनसाइड है, ये आपका a है प्लस ब्रैकेट 1 माइनस r टू द पावर n एंड 1 माइनस r, ठीक है, प्लस इट इज 1/10, इट इज 9/10, 10 यहां पर कैंसिल हो जाएगा, 1/9 यहां पर रिमेनिंग पार्ट हो, इट इज 2/3 n माइनस 1/10 1 माइनस 1/10 टू द पावर n एंड 9/10, डिनोमिनेटर कैंसिल, सो द रिमेनिंग पोर्शन इज 2/3 n माइनस 1/9 ब्रैकेट 1/10 टू द पावर n ब्रैकेट एंड, ठीक है. अब प्लस 2/3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां मल्टीपल हो जाएगा और प्लस ये आपका रिक्वायर्ड सम है, ठीक, सम ऑफ n टर्म दिस. प्लस ये क्वेश्चन है, एक डिफरेंट प्रॉब्लम, 2/3 is equal to x minus 1 upon y plus x square minus 1 upon y square plus y cube minus 1 upon y cube and so on, and it is going up to infinity. X into y is 2 and mod of x is less than 1, matlab ki jo x ki value hai it is less than 1, and we have to find the value of x and y, theek hai, now dekhiye ise kaise karenge. Yahan par aap dekhiye 2/3, yahan par plus do term hai, first term second term, पहले दोनों को आप सेपरेट करेंगे दो डिफरेंट सेपरेट ब्रैकेट में, तो ये आपका हो जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड इट इज अप टू इंफिनिटी, ठीक है. नेक्स्ट जो सेकेंड टर्म्स हैं उनके आप नेगेटिव को कलेक्ट कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए, 1/y 1/y² 1/y³ एंड इट इज अप टू इंफिनिटी. अब यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा होगा, यहाँ पर s इंफिनिटी का फॉर्मूला है, s सम ऑफ टर्म अप टू इंफिनिटी, इट इज a अपॉन 1 माइनस r, ठीक है, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो. यहां पर आपका a जो है वो x है और r की वैल्यू भी x है, यहां पर a की वैल्यू है 1/y एंड r की वैल्यू प्लस क्या होगी 1/y² 1/y r की वैल्यू भी 1/, दोनों में r की a एंड r की वैल्यू सेम है, सेपरेटली हम दोनों को प्लेस करेंगे. आपका हो गया a अपॉन 1 माइनस r एंड माइनस a अपॉन 1 माइनस r,
a upon 1 minus r, ठीक है, इन दोनों को हम सॉल्व कर लें, तो 2 upon 3 x upon 1 minus x minus 1 upon y and y minus 1 upon y cancel, फिर it is 1 upon 1 minus y आएगा, y y यहाँ पर cancel हो गया, ठीक है, and 2 upon 3 x upon 1 minus x minus 1 upon y minus 1, ठीक है, अब यहां क्या करेंगे देखिए, पहले यहां पे x फाइंड कर लें, x कैसे आएगा, यहां आप लिखेंगे देखिए x and y is equal to है, तो y की वैल्यू होगी 2 upon x, तो सेकंड इक्वेशन जो यहां पर गिवन थी उसके आधार से मैंने y की वैल्यू फाइंड किया, तो यहां पर y आ रहा है, वहां पर हम प्लेस करेंगे 2 upon x, तो 2 upon x minus 1, फिर अब इसको हम लोग इवैल्यूएट करके हम यहां से x फाइंड आउट करेंगे, बस ये इस क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है, 2 upon 3 x 1 minus x, अब क्या सेम खाली कैलकुलेशन रह गया, there is no any logic, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, कैसी है, अब इसको आप यूज करेंगे, तो 1 minus 1 upon 2 minus x upon x, ये x यहां पर आ जाएगा, 2 upon 3 x minus 1 upon x minus x upon 2 minus x, अब यहां पर हम लेंगे LCM, आप चाहे तो x कॉमन ले सकते हैं, x आप कॉमन ले लीजिए, 1 minus x 1 upon 2 minus x, और यहां पर LCM आएगा 2 upon 3 x 2 minus x minus 1 plus x upon 1 minus x 2 minus x, बस यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको, यहाँ पर सिंपल कैलकुलेशन वर्क है यहाँ पर, ठीक है, ये x और x कैंसिल, 2 minus 1 1 बचेगा, 1 into x x आएगा, राइट, तो फाइनल इक्वेशन आप क्या रही है, x upon 1 minus x 2 minus x, cross multiply and find x, ये वर्किंग हमें करना है, तो 2 upon 3 x और यहाँ पर आ जाएगा 2 minus x minus 2x plus x square 2 upon 3 x upon 2 minus 3x plus x square, how to cross multiply, हम cross multiply करके यहाँ पर हम एक form होगी quadratic equation, उस quadratic equation हम लोग expand out करेंगे, ठीक है, तो 4 is equal minus 6x plus 2x square is equal 3x, 2x square हो रही यहाँ पर टू जा ये फोर होगा, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स एंड टू वन जा टू, थ्री वन जा थ्री, ठीक है, टू एक्स स्क्वायर एंड यहाँ हो जाएगा ये नाइन एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, टू एक्स स्क्वायर ये थ्री इधर आता है, थ्री सिक्स एड होगा माइनस नाइन एक्स प्लस नाइन, जैसे आप इसको भी ऐड करिए इसके बाद क्वेश्चन कंटिन्यू होगा, क्लास जो आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्म हो रही है 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस x प्लस 4 इज इक्वल 0, 2x टेकिंग कॉमन x माइनस 4 माइनस 1 टेकिंग कॉमन x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 1 एंड x माइनस 4 इज इक्वल 0, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, ठीक है, अब प्लस देखिए ये वैल्यू जो है x की ये 1 से लेस है, और यहां पर जो उसने बोला था जो x है प्लस माइनस x 1 से लेस होना चाहिए, ठीक है, तो ये वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, बट x माइनस 4 इज इक्वल 0 पर देखिए x की वैल्यू 4 आएगी, इसको आप करेंगे नेगलेक्ट, क्यों, क्योंकि जो आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन है उसमें ये वैल्यू फुलफिल नहीं हो रही है, तो x आपका आ गया 1 अपॉन 2, दिस इज द फर्स्ट आंसर, नेक्स्ट आंसर क्या आएगा, x y is equal to 2 x is 1 upon 2 y 2 y is equal to 4, this is the next answer.